तो स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में मैं हूं जगबीर और आप देख रहे हो जे एस इंडस्ट्रीज़ तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट एप्स के बारे में जो इंडिया में बैन हो चुके हैं तो चलिए बुलाते हैं टेक अनबॉक्सर को और पिछली बारी टेक अनबॉक्सर ने काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा दिया था मुझे ढूंढते हुए तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको यहाँ पर कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा और आप प्लीज़ देखिए उस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा मैंने मेहनत की थी उस वीडियो में काफ़ी फ़नी वीडियो है और भी बुलाते हैं टेक अनबॉक्सर को तो स्वागत है दोस्तों मैं हूं टेक अनबॉक्सर और आप देख रहे हो जे एस इंडस्ट्रीज़ तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को और ताकि आप हमारी हेल्प कर सकें सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ताकि आप इसकी हेल्प कर सके और इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में इस वीडियो के स्पॉन्सर है ट्यूब बडी तो अगर आपको ट्यूब बडी के बारे में नहीं पता है तो अभी जान लीजिए और ट्यूब बडी अगर आपके पास एक यूट्यूब चैनल है तो आपको ट्यूब बडी यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको और आपको ट्रेंडिंग वीडियोज़ के बारे में बताता है मैं भी यूज़ करता हूँ ट्यूब बडी और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा है यूज़ करके क्योंकि जो ट्यूबबडिया वो आपको टैग्स भी दे देता है कुछ और आप अगर नीचे वाले लिंक से आप यूज़ करोगे ट्यूबबडी तो आप सीधा उसके डाउनलोड पेज पे आ जाओगे और आप फिर उसको डाउनलोड कर सकते हो वो बिल्कुल फ्री है और अगर आप चाहते हैं तो आप उसकी वीआईपी मेंबरशिप भी ले सकते हैं तो उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में तो आप जाके चेक कर सकते हैं उसको तो अब आते हैं सीधा वीडियो पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐप्स के बारे में जो हो चुके हैं बैन इंडिया में तो उनमें से मैं आपको कुछ फेमस ऐप्स बता देता हूँ उनमें से है काफी ज़्यादा फेमस ऐप है वो है पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट ये दोनों ऐप्स बैन हो चुकी हैं इंडिया में और इसका काफ़ी तगड़ा रीज़न भी दिया है इंडिया वालों में इंडिया वालों में इंडिया वालों ने और इस रीज़न के बारे में मैं अभी आपको बात बताने वाला हूँ कि क्यों इंडिया वालों ने ये गेम बैन की है तो दोस्तों मैंने अभी अभी पढ़ के देखा है तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप पबजी को PC में यूज़ करते हैं तो आप उसको अभी भी खेल सकते हैं और इसका एक बिग रीज़न इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि जो PUBG का जो PC वर्जन है वो जो उसका पब्लिशर है वो कोरिया से है मतलब वो कोरियन गेम है और जो जो मोबाइल वाला वर्जन है वो वो वर्क करता है टेसेंट पे टेसेंट की सर्वर्स पे जो सिचुएटेड हैं चाइना में इसलिए सिर्फ मोबाइल की जो गेम है उसको ही बैन किया गया है तो बाकी अगर आप उसको पीसी पे खेलते हैं या फिर आप एस पे खेलते हैं तो वो आप अभी भी उसको खेल सकते हैं और आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा तो जो पबजी है वो बैन किस एक्ट के अंडर हुई है तो उसके बारे में इन्होंने बताया है वो है सेक्शन 69 ए सेक्शन 69 ए के अंदर जो प्री जुडिशियल है कि और सो सोवरेजिन सो, सो यार जो भी बोलता है उसको मैं वर्ड यहाँ पे डाल दूँगा वो उसको आ, इंडिया के इन दोनों चीज़ों को वो प्रॉब्लम डाल रही थी और वो इन चीज़ों में फालतू में घुस रही थी और क्योंकि अभी रिलेशंस ख़राब है इंडिया और चाइना के बीच में तो इन्होंने ये चीज़ की है और बैन किया है काफ़ी सारे ऐप्स को और अब तक अगर देखा जाए तो इन्होंने अराउंड 190 नाइन्टी से ज़्यादा चाइना के बैन कर दिए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये बात कही है और बस इतना ही बताया यहाँ पे कि उसको बैन क्यों किया गया था और काफ़ी सारे जो ऐप्स सा, हैं उनको भी सेक्शन 69 ए के अंडर ही बैन किया गया है और वो फ़ालतू का डाटा ले रही थी आपके मोबाइल से तो अगर आपके पास अभी भी ये चीज़ें हैं आप मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा देता हूँ सारी ऐप्स के जो इंडिया ने बैन की है तो अगर आपके पास अभी भी ये ऐप डाउनलोडेड है तो इसको डिलीट कर दो तो लाइक करो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को मैं हूं जगबीर आप देख रहे थे जयस इंडस्ट्रीज तो चलिए शुरू चलिए एंड करते हैं तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि तो अब मैं आपको बता दूं कि मेरी सिस्टर का भी एक चैनल है मनरूप आर्ट एंड और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहाँ पर जाकर इसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके चैनल पर भी अभी दो वीडियोज़ हैं You